हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी, तो क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हेल्थ एंड डिजीज यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हेल्थ एंड डिजीज में हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्वास्थ्य एवं रोग में डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर जो बीमारी थी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो जीवाणु जनित रोग हो रहा था, किस तरीके से दूषित जल और दूषित भोजन में पहुंच करके, समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब कि दूषित जल और दूषित भोजन में कंटामिनेटेड कर करके किस तरीके से वहां पर आपका बीमारी फैल रहा था। तो मतलब जिसमें हमने टाइफाइड के बारे में डिस्कस करा था, टाइफाइड के बारे में हमने काफ़ी हद तक डायरिया के बारे में भी, यानी जिसको कालरा हैजा के नाम से जानते थे, काफ़ी अच्छे से समझा था। आज हम आगे का टॉपिक इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग यानी कि नेक्स्ट पार्ट, कहने का मतलब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुल मिलाकर के, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। समझ पा रहे हैं, यानी कि ऐसे रोगों के बारे में समझेंगे जो क्या होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं, यानी कि एयर बर्न में। कहने का मतलब कि आज हम जो बात करने वाले हैं, डिजीज कास्ट बाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर बर्न, हाँ या ना, यानी कि वायु में, यानी कि कुल मिलाकर के बिंदु कणों, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे आप जब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें क्या किया जाता है, एक बार जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई समझ पा रहे हो, उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब एक बार खांसता है, तो समझ पा रहे हैं, एक बार जब खांसता है तो उसके खांसते समय, यानी कि उसके जो खांसी, एक बार जो खांसी आती है, एक बार जो छींकता है, यानी कि इवन ये भी ले सकते हैं, तो उस खांसी में, उस छींक में क्या होते हैं, लगभग समझ पा रहे हैं, लाखों प्रकार के क्या होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखे जा रहे होते हैं। कुल मिलाकर के एक बार जब हम खांसते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुकण होते हैं, समझ पा रहे हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति को वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा बात करो भाई, किसी को टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो तेजी से खांस दिया तो क्या होगा, उसके एक बार खांसेगा तो बहुत सारा ड्रॉपलेट बाहर एयर में, भाई वायु में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, एयर में पहुंचेगा आसानी से। अब समझ पा रहे हो, उसके बगल आरी बगल जो व्यक्ति रहेंगे आसानी से वो सांस लेंगे, खींच लेंगे अपने अंदर, समझ पा रहे हो, उनके अंदर ड्रॉपलेट गया, अब वो ड्रॉपलेट उनके अंदर बीमारी उत्पन्न कर सकता है। सिंपल सी बात है, जिसको हम एयर बर्न में प्रेजेंट, समझ पा रहे हो, बैक्टीरिया किसमें फाइनली प्रेजेंट हो गया, एयर में, समझ पा रहे हो, वायु में। कुल मिलाकर के उसी को हम बात कर रहे हैं, वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे डिप्थीरिया के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ पा रहे हैं, डिप्थीरिया जिसको रोहिणी कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वोपिंग कफ, जिसको पेस्टुएसिस यानी कि जिसको काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहा करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम जो डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं तनिका शोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? तनिका शोध की बीमारी, यानी तनिका शोध, जिसको हम मेनिनजाइटिस के नाम से जाने करते हैं। नेक्स्ट बीमारी पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं। द लास्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 5, यानी कि निमोनिया के बारे में, फुसफुस दाह के बारे में। तो आई होप आपको चीजें काफी डिटेल में, काफी तह तक समझ में आएगा, कब, जब आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तब। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं अपनी पहली बीमारी यानी कि फर्स्ट बीमारी के बारे में, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रोहिणी, जिसको हम डिप्थीरिया बोला कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रोहिणी यानी जो डिप्थीरिया की बीमारी होती है, ये किसके कारण होती है, एक बैक्टीरिया जनित रोग है, समझ पा रहे, इस बैक्टीरिया का नाम होता है कॉरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या नाम है, कॉरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक क्या होते हैं, कॉरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से किसकी बीमारी होती है, डिप्थीरिया की बीमारी होती है, यानी जिसको रोहिणी बोला जाता है। ध्यान से देखना, कहने का मतलब बैक्टीरिया का नाम तो आपको सभी में लर्न करना है, कहने का मतलब जितनी बीमारियां लिखी गई है, वो जो बीमारी हो रहा है फाइनली किस बैक्टीरिया से होगा, वो आपको पता होना चाहिए, और उस बीमारी से क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखो,
ये बीमारी का जो रोहिणी जिसको हम डिप्थीरिया कहते हैं, डियर स्टूडेंट, इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होता है फाइनली कहाँ होता है, इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, पायरिंग्स, PHRYNX हायना, यानी कि फायरिंग्स जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं, ध्यान देना, यानी कि इसका इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, ग्रसनी में होता है, इन्फेक्शन इन फायरिंग्स, यानी कि कहाँ पे इसका इन्फेक्शन होता है, हायना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, यानी कि रोहिणी जो बीमारी है जिसको हम डिप्थीरिया बोला करते हैं, इसमें इन्फेक्शन कहाँ होता है, बीमारी मतलब संक्रमण जो होता है वो कहाँ होता है, वो फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी में होता है। इस बीमारी में पहली बात तो होता क्या है, इस बीमारी में सिंपल सी बात है, ग्रसनी के अंदर, समझ पा रहे हो, ग्रसनी के अंदर फायरिंग्स वाले भाग में क्या होता है, एक झिल्ली सी बन जाती है, समझ पा रहे हैं, मुंह में यानी कि अंदर की तरफ ग्रसनी में, जिससे हम खाना निगल रहे होते हैं, जिसमें खाना भी जा रहा होता है, एयर भी जा रहा होता है, हवा भी जा रहा होता है, वहां पर क्या होता है, जैसे ही ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अंदर की तरफ जब व्यक्ति पूरा मुंह ही नहीं ओपन कर पाता, जब मुंह ओपन करता है तो डॉक्टर उसको लाइट से, टॉर्च की मदद से देखते हैं, तो क्या होता है, वहां पर एक झिल्ली सी बन जाती है, एक झिल्लियां बन जाती है, समझ पा रहे हैं, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पहली बात तो ध्यान देना, वो जो झिल्ली बनती है फायरिंग्स में, उसी झिल्ली को हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, उसको जानते रहना, क्या कहा करते हैं, स्यूडो, स्यूडो क्या कहा करते हैं, मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ बन रहा है, फायरिंग्स में, ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन, यानी कि जो स्यूडो मेम्ब्रेन की झिल्ली जो बनी है, ये कहाँ बनता है, ये तुम्हारे, समझ पा रहे हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, आपको भूलना नहीं है, फायरिंग्स वाले रीजन में, यानी ग्रसनी वाले भाग में क्या होता है कि स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाया करता है। अब जब स्यूडो मेम्ब्रेन ग्रसनी में बन जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है, भोजन भी नहीं खा पाते हैं ठीक से, बहुत दिक्कत होती है, समझ पा रहे, बुखार भी हो सकता है इसमें, नॉर्मली व्यक्ति कमजोर हो जाता है धीरे धीरे, कुल मिलाकर के सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, सोचो कितना खतरनाक बीमारी है, इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जानते रहना, डिप्थीरिया जिसको रोहिणी बोला जाता है, इसके लिए उपचार के लिए बात करें जो वैक्सीन उपयोग की जाती है, इसमें DPT का वैक्सीन जो होता है लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, हायना, यानी कि जो बीमारी है किससे संबंधित है, समझ पा रहे हो कि नहीं, कुल मिलाकर के श्वसन से संबंधित है, कुल मिलाकर के एकदम सिंपल बीमारी जो कि एयर बर्न में प्रेजेंट थे, इसके बैक्टीरिया, समझ पा रहे, बिंदु कणों के माध्यम से पहुंचा, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ध्यान देना, ऐसे इन्फेक्शन जो एयर बर्न में प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं, एक बात और ध्यान से देख लो, एक्स्ट्रा स्टॉप पॉइंट है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है, बिंदु कणों के द्वारा क्या हो रहा है, वो फाइनली बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हेल्थी पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है, दैट इज द ट्रांसमिटेड ऑफ पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन द्वारा हेल्थी पर्सन, समझ पा रहे हो, एक संक्रमित व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो रहा है कि खांसने के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को मिलाकर के, एक बार जब व्यक्ति खांस रहा है बहुत सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाहर निकल रहे हैं, हाँ या ना, अब कोई व्यक्ति बगल खड़ा है, अब अपने सांस के द्वारा कोई स्वस्थ व्यक्ति था, सांस लिया, तेजी से खींचा, अब जो खांसा था, जो व्यक्ति दूसरा वाला जो खांसा है, अब स्वस्थ वाले व्यक्ति को सब मिल जाएगा गिफ्ट उसको फ्री में अपना, समझ पा रहा, अब बीमारी होगी कि नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात है, समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये बीमारी आपका होता है डिप्थीरिया, जो कि सिंपल था इन्फेक्शन इन फेरिंग्स, यानी ग्रसनी वाले भाग में क्या होता है, संक्रमण होता है, जिसकी वजह से ग्रसनी में क्या होता है, सीटो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियां बन जाती हैं, जिसको झूठा झिल्ली सीटो मेम्ब्रेन बोला करते हैं, इससे क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, हाँ ना, सिंपल सी बात है, शुरुआती अवस्था में इसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है नॉर्मली, इसके लिए वैक्सीन क्या है, DPT वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, और जो इसमें दवाएं दी जाती हैं, इसके लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है, दी जाती
एंटीबायोटिक मेडिसिन, समझ पा रहे हो, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उनके लिए तुमको पता है एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग किया जाता है। हाँ ना, आई होप आपको डिप्थीरिया यानी कि रोहिणी के बारे में काफी तातक काफी डिटेल में समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बीमारी के ऊपर। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना है आपको वीडियो का लास्ट तक, एक एक चीज पढ़कर जाना है। हाँ या ना, अब नेक्स्ट डिजीज के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो भाई, अगली बीमारी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो आपका है, वो क्या है, वोपिंग कफ, जिसको हम क्या कहा करते हैं, जिसको हम पिस्टोरेसिस कहा करते हैं, जिसको हम काली खांसी भी कहा करते हैं। ध्यान से देखें ना, जो पिस्टोरेसिस की बीमारी होती है, ये बीमारी भी क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान देना, पिस्टोरेसिस की जो बीमारी होती है ये बीमारी भी किसके कारण हो रही है, ये बीमारी भी बैक्टीरिया के कारण होती है। लेकिन इसके जो पिस्टोरेसिस, जो काली खांसी करने वाला बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं बॉर्डेटेला पिस्टोरेसिस। लिख लेना डियर स्टूडेंट, हाँ है ना, बॉर्ड बॉर्डेटेला, हाँ है ना, बॉर्डेटेला पिस्टोरेसिस बैक्टीरिया का नाम, एकदम क्लियर कर लेना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉर्डेटेला, हाँ है ना, टेला पिस्टोरेसिस। ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, ये जो बीमारी उत्पन्न करता है काली खांसी, कुकुर खांसी। कहते नहीं है कि कुकुर ढसना हो गया, हाँ, एक कुकुर जैसा ढांस रहे हो, समझ पा रहे हो, वो बीमारी यानी कि बॉर्डेटेला पेस्टिओसिस नामक बैक्टीरिया के कारण, नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, काली खांसी आती है, जिसको हम वोपिंग कफ बोला करते हैं, जिसको समझ पा रहे हो, बॉर्डेटेला पेस्टिओसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हो रही होती है। इस बीमारी में भी क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है, समझ पा रहे हो भाई, इस बीमारी में भी जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होगा, वो भी क्या होगा, फेरिंग्स में होगा, वेरी मोस्ट, लेकिन इसमें झिल्ली वगैरह नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के इसका इन्फेक्शन भी कहाँ होता है, तुम्हारे फेरिंग्स में होता है, गले वाले भाग में होता है। इसमें सिंपल सी बात है, गले में जो श्लेष्म होते हैं उनकी गति रुक जाती है ना। कुल मिलाकर के इनका भी इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, पीएच, हाँ है ना, PHRYNX यानी कि फेरिंग्स वाले भाग में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन फेरिंग्स लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इन्फेक्शन इन फेरिंग्स यानी ग्रसनी वाले भाग में इसका संक्रमण होता है। अब इस बीमारी के संक्रमण के कारण क्या होता है, श्लेष्म की गति रुक जाती है। सिंपल सी बात, अभी हमने बताया जो गले में जो श्लेष्म होता है, जो गले में जो श्लेष्म पाया जाता है उसकी जो गति होती है, इस बीमारी में क्या होता है, उसकी गति जो होती है उसकी, इस बीमारी में श्लेष्म की गति रुक जाती है। अब भाई जब श्लेष्म की गति रुक जाएगी तो क्या होगा, सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होगी, सिंपल सी बात है, हाँ है ना, यानी कि जो म्यूकस है, जो श्लेष्म है, उसकी गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिससे क्या होगा, खुश्की करके खांसी आएगी। ध्यान देना, खुश्की खांसी इसको बोलते हैं, खुश्की करके, खुस खुस करके खांसी आएगी, समझ, खो खो खुस खुस करके, कुकुर के जैसा ढांस रहा है, समझ पा रहे, कभी हुआ होगा आपको, बहुत खतरनाक, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाता है, समझ पा रहे, इसके कारण क्या होता है, गले में दर्द भी होता है, समझ पा रहे, सांस लेने में बहुत सारा कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, दम घुटने के कारण डेथ भी हो सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ या ना, सही समय पर इलाज नहीं मिलेगा, दिक्कत परेशानी। और ज्यादातर यह केस किसमें देखा जाता है, बच्चों में, हाँ या ना, किसमें देखा जाता है, अधिकतर जो काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, जिसको ओपिंग कफ यानी पिस्टोरेसिस बोलते हैं, इसकी बीमारी अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे बॉर्डेटेला पिस्टोरेसिस नाम बैक्टीरिया का, इसका भी इन्फेक्शन फेरिंक्स रीजन पर यानी गले वाले भाग में होता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि गले में जो श्लेष्म पाए जाते हैं उनकी गति रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, खुश्की करके खांसी आती है। जब खुश्की करके खांसी आती है तो भाई सांस लेने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, सिंपल सी बात है। आई होप आपको एक एक चीजें काफी तक काफी डिटेल में समझ में आ रही होंगी। हाँ, आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के ऊपर, यानी कि अगली जो बीमारी हमको पढ़ना है वो किसके बारे में, तनिका शोथ के बारे में पढ़ना है।
इसके बारे में माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना। अगली जो बीमारी हमको पढ़ना है तनिका शोथ, जिसको हम क्या बोला करते हैं, जिसको हम मेनिनजाइटिस बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? मेनिनजाइटिस। यहाँ पर जब भी बात होगी मेनिनजाइटिस की, तो मेनिनजाइटिस टर्म से आप कुछ चीजें कोरिलेट कर पा रहे होंगे। मेनिनजाइटिस मीन्स दैट इज द मेनिंजेस, है ना? क्या मेनिनजाइटिस मीन्स, डियर स्टूडेंट, मेनिंजेस से रिलेटेड है। मेनिंजेस, अब आप सोच रहे हो मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस का मतलब आपका जो ब्रेन होता है, आपका मस्तिष्क होता है, इसके ऊपर तीन परतें होती हैं। एक पैरामेटल होता है, ड्यूरामेटल होता है, उसके बाद अरेक्नॉइड होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, इन्हीं को मेनिंजेस बोला करते हैं। समझ पा रहे हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम मेनिंजेस बोलते हैं। अब होता क्या है इस बीमारी में, यानी कि मेनिंजाइटिस में? मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, यानी कि कुल मिलाकर के कहाँ पे हो जाता है? मेनिंजेस में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? मेनिंजेस में हो जाता है, यानी कि सेरिब्रल वाले भाग में। समझ पा रहे हैं? जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मेनिंजेस में हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, समझ पा रहे हो? यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होंगे वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगे, यानी सेरिब्रम का जो द्रव होगा, ब्रेन के पास जो सेरिब्रम का द्रव होता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको CSF बोलते हैं, हाँ या ना? सी फॉर क्या होते हैं? वेरी मोस्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज कर जाती है। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा, समझ पा रहे हो, जो बढ़ जाएगी मस्तिष्क वाले भाग में, मेनिंजेस में, तो दिक्कत हो गई। समझ पा रहे हो? बुखार कहते हैं, जो बुखार है वो कहाँ चढ़ गया? सिर पर चढ़ गया, जिसको कभी कभी बोलते हैं कि ये सिर वाला बुखार, यानी कि मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को काफी खतरनाक बीमारी होती है। समझ पाए? कहते हैं कि जो बीमारी है, जो बुखार है, वो कहाँ पे चढ़ गया? उस सिर पर चढ़ गया बुखार। इसके कारण डेथ भी हो सकती है, बहुत खतरनाक होता है। सोचो भाई, मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो जाता है, इसका संक्रमण, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वो कहाँ तक पहुँच जाता है? वो ब्रेन के मेनिंजेस तक पहुँच जाता है। आप जानते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये बीमारी पहली बात तो इससे होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो इसका बैक्टीरिया का नाम जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, लिस्टेरिया। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इम्पॉर्टेंट है, लिस्टेरिया, लिस्टेरिया मोनोसिस्टिटोजेंस, हाँ या ना? लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस, लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस, अथवा किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। ध्यान से देखना, लिस्टेरिया सिस्टोजेंस जिसको बोलते हैं, लिस्टेरिया सिस्टोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? मेनिनजाइटिस होता है। समझ पा रहे हो? इस बैक्टीरिया के कारण, इस जीवाणु के कारण जो बीमारी होता है वो कौन सी बीमारी होती है? ध्यान से देखना, वो जो बीमारी होती है मेनिनजाइटिस, यानी कि जिसको तनिका शोथ बोलते हैं। तनिका शोथ में कुल मिलाकर के बुखार इतना तेजी चढ़ता है, जिससे मस्तिष्क ज्वर भी कभी कभी गोला करते हैं। तो सारा मेनिंजेस में जो मेम्ब्रेन होती है, जो ब्रेन की पायरामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, उनके बीचों बीच क्या होता है, पानी भर जाता है, पानी भरने लगता है इन्फेक्शन कारण, यानी कि जिसे सेरिब्रो क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है ब्रेन में। सेरिब्रो स्पाइनल CSF जिसको बोला करते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसकी मात्रा ब्रेन में बढ़ जाती है, ब्रेन में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के मस्तिष्क का ज्वर हो गया, समझ पा रहे हो? दिमागी बुखार जिसको कभी कभी नाम से देते हैं, सही समय पर इलाज नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। और सिंपल सी बात है, इसके इलाज की बात करें, अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, ध्यान देना, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, उनका प्रयोग इस बीमारी में उपचार के सफल स्वरूप किया जा रहा होता है। बात करें इसमें कौन से एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है,
तो एंटीबायोटिक ध्यान से लिख लेना, इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। एंटीबायोटिक क्या हो सकता है इसमें यूज कर सकते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा क्लोरम क्लोरम फेनी फेनिकॉल यूज कर सकते हैं, क्लोरम फेनिकॉल। इसके अलावा इसमें कौन सा एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन क्लोरम फेनिकॉल, देन पेनिसिलिन। ध्यान देना कौन से एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरम फेनिकॉल उसके बाद पेनिसिलिन, उसके बाद पेनिसिलिन नामक, समझ पा रहे हो, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग, समझ पा रहे हो, मेनिनजाइटिस की बीमारी में किया जाता है, समझ पा रहे हो। अब दवा भी आप जान गए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दवाओं का उपयोग एक बीमारी में किया जाएगा, सिंपल सी बात, हाँ या ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, हाँ या ना। फुल वॉल्यूम करके वॉइस देखना, नहीं तो आपको वॉइस समझ पा रहे फुल नहीं आ सकता जिसके, वो समझ पा रहे हो, अभी रात हो गया है ज्यादा तेज बोलेंगे, समझ पा रहे हो भाई, दिक्कत होगी ना, लोग सो रहे हैं तो बोलेंगे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, समझ पा रहे हो भाई, आपके लिए लेकिन हम कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आप थोड़ा सा वीडियो का जो वॉल्यूम है बढ़ा कर देख लो ना भाई। तो देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जिसको हम क्षय रोग, समझ पा रहे हैं, जिसको हम तपेदिक भी बोला करते हैं यानी कि टीबी जिसको बोला करते हैं, कुल मिला करके कौन सी बीमारी पढ़ने वाले हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में डियर स्टूडेंट, बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, पहली बात ध्यान से देखना। बात करें अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की, तो ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी होती है ये किसके कारण होता है, ये भी बैक्टीरिया कारण होता है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ध्यान से देखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है वो टीबी की बीमारी होती है, इसको टीबी इसी को बोलते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस बोला करते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके कारण जो बीमारी होती है क्षय रोग होता है जिसको तपेदिक बोलते हैं, यह भी क्या होता है एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हाँ या ना, ये भी एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा होता है, इसको हम छूत की बीमारी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्ति जब एक बार खांसता है तो उसके खांसने में, समझ पा रहे, जब एक बार खांसेगा तो खांसी आएगी, पहली बार तो ये जो बीमारी होती है जो ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है, इस बीमारी में प्रचंड खांसी आती ही आती है, एक हफ्ते बाद क्या होता है काफी, एक हफ्ते या 3 महीना 4 महीने अगर बीता जिसको टीबी है, वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया, समझ पा रहे, उसके लंग्स में अटैक किया है, कितने ज्यादा मात्रा में उस बैक्टीरिया जो है उसके फेफड़े को प्रभावित कर रहा है, तो अगर ज्यादा बैक्टीरिया होगा जाहिर सी बात है, समझ पा रहे, ज्यादा बैक्टीरिया होगा तो लक्षण जल्दी दिखाई देंगे, तो कुल मिला करके लंग्स में इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया करेंगे, लंग्स को इन्फ्लामेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक हफ्ते या 3 महीने बाद क्या होता है, रोगी को बहुत प्रचंड खांसी आती है, क्या आती है हमारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा प्रचंड खांसी आती है। अब जो प्रचंड खांसी आती है क्या होगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और भाई जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात, हाँ या ना, समझ पा रहे हो, इसमें सिंपल सी बात है, लंग्स पर इन्फेक्शन हो रहा है, इसके अलावा लगभग 3 से 4 महीने के फलों को चीज काफ़ी ज़्यादा प्रचंड खांसी आती है, बहुत तेजी तेजी खांसी आती है, और इसके अलावा वक्ष भाग में क्या होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, मतलब सीने वाले भाग में क्या होता है, दर्द होता है यानी कि पीड़ा होती है, उच्च ज्वर भी होता है, काफ़ी तेजी का बुखार होता है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा खांसी जब आती है व्यक्ति की, व्यक्ति में जो खांसी आती है, जो बलगम होता है भूरे कलर का आता है, किस कलर का बलगम आता है, भूरे कलर का यानी भूरा कलर का, ब्राउनिश टाइप का जो बलगम होता है आता है, और कभी कभी बलगम में ब्लड भी आ सकता है, जो कि ये
टीबी केस में लाजमी होता है, सिंपल सी बात है, समझ पाए। तो इस प्रकार से इस बीमारी को हम छूत की बीमारी भी कहा करते हैं, हाँ ना। पहले तो इसका उपचार ही नहीं था, लेकिन अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ पा रहे। सरकारी हॉस्पिटल में इसका उपचार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल सी बात। ये क्या होता है, तुम्हारा टीबी की बीमारी होती है और क्या होता है, ध्यान से देखना। कुल मिला करके जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तुम्हारे लंग्स पर होता है। कहाँ में होता है, लंग्स यानी कि फेफड़े में। कहाँ पर डियर स्टूडेंट, फेफड़े में क्या होता है, इसका इन्फेक्शन देखा जा रहा है, हाँ है ना। लंग्स में इसका इन्फेक्शन हो रहा है और लंग्स में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, जिससे क्या होगा, लगभग 3 महीने में, 3 मंथ में क्या होता है, प्रचंड खांसी आती है। पहला लक्षण क्या होता है, इसमें प्रचंड खांसी आती है, बहुत तेजी तेजी खांसी आती है। प्रचंड खांसी के साथ साथ क्या होता है, समझ पा रहे हो, वक्ष भाग में क्या होता है, पीड़ा होती है। वक्ष भाग में क्या होती है, पीड़ा देखी जाती है, वक्ष भाग में पीड़ा होती है, सीने वाले भाग में दर्द होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें वक्ष भाग में पीड़ा के साथ साथ क्या होता है कि व्यक्ति की जो खांसी आती है उसके साथ साथ बलगम भी रिलीज होता है। समझ, इसके अलावा इसमें बुखार भी होता है, उच्च ज्वर, तेज बुखार, उच्च ज्वर होता है इसमें, ज्वर बाकी तेजी से आता है, तेजी बुखार यानी कि हाई फीवर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाई फीवर हो सकता है इसमें, हाई फीवर यानी कि तेज बुखार, काफी बुखार जो होता है काफी तेजी से चढ़ता है बॉडी पे, बहुत तेजी से बुखार चढ़ेगा, कुछ समय पश्चात फिर से नॉर्मल हो जाता है, सिंपल सी बात होती है। कुछ देर तक बना रहेगा, जैसे मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन का असर जैसे शुरुआत हो तो नॉर्मल हो जाएगा वो फीवर जो होगा, और नॉर्मली वक्ष में पीड़ा तो होगी होगी ना। इसके अलावा खांसी के साथ साथ क्या होगा, उच्च बुखार भी आएगा, इसके अलावा खांसी के साथ साथ क्या आएगा, बलगम आएगा, हाँ है ना। बलगम कैसा होगा, वो ब्राउनिश कलर का हो सकता है, भूरे कलर का, हल्के भूरे भूरे कलर का होता है, सिंपल सी बात है। और इसका इन्फेक्शन कहाँ पे फाइनली हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, फेफड़े में हो रहा है। अगर इसका इन्फेक्शन फेफड़े में बढ़ गया, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यानी कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोल रहे हैं, अगर इसका इन्फेक्शन फेफड़े के अंदर ज्यादा मात्रा में बढ़ा, तो क्या होता है कि फेफड़े के अंदर, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या होता है कि जो लंग्स होता है, अब लंग्स के अंदर यानी कि फेफड़े के अंदर, ध्यान से देखना, जो फेफड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से जब इसका इन्फेक्शन काफी तेजी से होगा तो लंग्स के अंदर क्या होंगे, समझ पा रहे, ट्यूबरकुल्स बन जाते हैं, यानी कि लंग्स के अंदर क्या बन जाते हैं, गुलिकाएं जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुल्स बन जाते हैं, ट्यूबर क्यूल्स बन जाते हैं जिसको हम गुलिकाएं बोलते हैं, हाँ है ना। अब ये ट्यूबरकुल्स कभी, समझ पा रहे हो, ये ट्यूबरकुल धीरे धीरे लंग्स के जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं लंग्स के, इनको क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। लंग्स के में जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको क्षतिग्रस्त करते हैं। कभी कभी ये ट्यूबरकुल्स क्या होते हैं, फट जाते हैं। अब ट्यूबरकुल्स फटने की वजह से जहां जहां ट्यूबरकुल्स जाएगा, सपोज करो ट्यूबरकुल्स बोन मैरो में गया, समझ पा रहे हो, बोन मैरो में गया, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा मर गया, तो अस्थि मज्जा में बहुत सारे ट्यूबरकुल्स जाएंगे, तो वहां पर भी टीबी उत्पन्न हो सकता है। किडनी के पास जाएगा तो किडनी के पास भी टीबी की बीमारी है। जहां जहां जाएगा ट्यूबरकुल्स, वहां वहां पर इसका इन्फेक्शन यानी कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि टीबी का जो बैक्टीरिया होगा, वो वहां पर क्या होगा, पहुंचेगा, बहुत तेजी से स्प्रेड होगा, जिससे बीमारी और तेजी से फैल जाएगी, है ना। बचना बहुत मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में, बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी वाला बात हो सकता है डियर फ्रेंड। आई होप आपको टीबी के बारे में काफी हद तक समझ में आया होगा, समझ पा रहे हो। इसके अलावा इसके उपचार के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है, समझ पा रहे हो, इसके लिए उपचार के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है, वो रैनेजिड जिसको बोलते हैं नामक दवाओं का प्रयोग किया जाता है ना, रैनेजिड जिसको बोलते हैं, ये सभी जो दवाएं होती हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है किसमें, आइसोनेजिड जिसको हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है। कौन सी दवा होती है, आइसोनेजिड नामक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, समझ पा रहे हो, ट्रीट का मतलब
उसको हम ठीक करने के लिए जो दवा का खाते हैं वो आइसोनेजिड दवा, इसमें ग्लुकोनेमाइड बहुत सारी साल्ट में रहते हैं, मोस्टली जो आइसोनेजिड होता है इस दवा में मिला होता है, जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। समय पर ये दवा का प्रयोग करा जाता है किस पर, टीबी में, यानी कि क्षय रोग की बीमारी में। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसका हमने उपचार भी देख लिया। और इसके लिए जो टीका लगाया जाता है बच्चों में, वो कौन सा टीका लगाया जाता है? हाँ या ना, किसका टीका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, लिख लेंगे। इसके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, जो टीका लगता है हमको, वो कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगाया जा रहा होता है। बीसीजी का टीका किसमें लगता है? टीबी के बचाव के लिए। हाँ या ना, टीबी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्षय रोग के समय संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन जो लगाता है, कौन सा? बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है ना। आई होप आप इन चीज काफी डिटेल में काफी तार तक पढ़ने वाले हैं, काफी पढ़ भी रहे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिजीज बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो कि लास्ट भी है, जिसका नाम क्या है? निमोनिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे। जो चीजें आपको दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट करके डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ध्यान से देखो, बात करते हैं हम निमोनिया के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट? बात करते हैं निमोनिया के बारे में, जिसको फुसफुस दाह बोला जाता है। भाई निमोनिया की जो बीमारी होती है, पहली बात तो किससे होती है, यानी कि जो निमोनिया की बीमारी हम पढ़ रहे हैं, किसकी बीमारी पढ़ रहे हैं? निमोनिया। हाँ या ना, किसके बारे में? निमोनिया, जिसको हम फुसफुस दाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? हिंदी में फुसफुस दाह बोला करते हैं। ये जो बीमारी होती है निमोनिया की, किसके कारण होती है? पहली बात किसके कारण होती है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ध्यान से देखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, ध्यान से देखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जो बैक्टीरिया के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, या इसी को बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? डिप्लोकोकस निमोनी भी कहा करते हैं, या इसी को बोलते हैं निमोनोकोकस निमोनी भी कहा करते हैं। ध्यान से देखना, इसका कई नाम है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं, निमोनोकोकस निमोनी भी कहते हैं। ये सब नाम हमने बताया है कहाँ पर? जब हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट, किनका पढ़े थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का। वहां पर हमने इस चीजों के बारे में बात किया था, वो किस तरीके से चूहों में निमोनिया जो बीमारी हो रही थी, किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, काफी तब तक हमने वहां पर जाना था। तो उस टॉपिक को यहाँ पर नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे नहीं इंटर करते हैं, बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से। कुल मिलाकर के ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, मोस्टली इसी का नाम, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको डिप्लोकोकस निमोनी, जिसको निमोनोकोकस निमोनी बोलते हैं। इस जीवाणु के कारण, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी होती है? वो निमोनिया की बीमारी होती है। ध्यान से देखना, इस बीमारी में होता क्या है? सबसे पहली बात ध्यान से देख लो, यानी कि जो निमोनिया की बीमारी होती है, जिसको हम फुसफुस दाह हिंदी बोलते हैं, फुसफुस का मतलब, नीमो का मतलब, जब भी इस टर्म लगे तो जान जाना रिलेटेड टू दी लंग्स। किससे संबंधित है डियर स्टूडेंट? लंग्स से, यानी कि फेफड़ा से संबंधित होता है। सिंपल सी बात है, यानी कि इस बीमारी में क्या होगा भाई? इस बीमारी में क्या होता है कि जो फेफड़ा होता है, ध्यान से देखना, इस बीमारी में जो फेफड़ा होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है, उस लंग्स में क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखना, जो फेफड़ा होता है, इसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है। हाँ या ना, इसको जो फाइनली एयर सैक होते हैं, कभी कभी पानी एयर सैक में भी भरने लगता है। एयर सैक मतलब एल्वियोलाई में। हाँ या ना, समझ पा रहे हो? एल्वियोलाई में क्या होता है? पानी भरने लगता है, कोशिकाओं में पानी भरने लगता है। और दिक्कत क्या होती है भाई? दिक्कत तो होगी ही, सांस लेने में क्या होगी? पहली बात तो कठिनाई होगी, व्यक्ति जो सांस लेगा, सांस सही से सांस नहीं ले पाएगा, सांस जो लेगा वो घरर घरर करके, मतलब कुल मिलाकर के खुल के सांस नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके, समझ पा रहे हो, फेफड़े में क्या
किसका इन्फेक्शन हुआ है, निमोनोकोकस निमोनिया यानी जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है। अब तुमको पता है यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े में होता है उसके बीचों बीच क्या होता है, प्लूरल फ्लूड भरा होता है, प्लूरल द्रव्य। ये द्रव्य इतने ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं जब बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन होता है, जीवाणु का इन्फेक्शन होता है, तो ये फ्लूड जो होते हैं ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच जाते हैं तुम्हारे अल्वियोलाई में यानी कुपिका में। कहाँ पर, अल्वियोलाई में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं कुपिकाओं में, इन्फेक्शन काफी तेजी से करने लगते हैं। जब ये अल्वियोलाई में डियर स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, ध्यान से देखना, जब ये बैक्टीरिया जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोल रहे हैं, जब ये बैक्टीरिया तुम्हारे अल्वियोलाई में पहुंच जाएंगे तो अल्वियोलाई में काफी तेजी से क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया करते हैं, काफी तेजी से इन्फ्लामेशन करते हैं, जिससे क्या होता है काफी ज्यादा मात्रा में फेफड़े के अंदर पानी भर जाता है, जिससे रोगी जो होता है सांस सही से नहीं ले पाता। जब सांस नहीं ले पाता तो जाहिर सी बात है उसको दिक्कत होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, हाँ या ना। कहने का मतलब कि इसका बैक्टीरिया का जो संक्रमण है कहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट तुम्हारे लंग्स पर हो रहा है। तो भाई इसमें जाहिर सी बात है, इस बीमारी में करना क्या होगा उपचार के लिए, पहली बात तो इसके अंदर का जो पानी होता है उसको बाहर निकालना होता है। कभी कभी फेफड़े के अंदर पानी इतने ज्यादा मात्रा में भर जाता है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास, समझ पा रहे हो, 1 से 1.5 लीटर के आसपास अगर फेफड़े के अंदर जो पानी भर गया तो भाई दिक्कत होगी, लाजमी है दिक्कत होगी, एकदम कहना एकदम लाजमी है। क्यों दिक्कत होगी भाई, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि समझ पा रहे हो, फेफड़े के अंदर पानी भर गया, वो भी अल्वियोलाई के अंदर, सांस लेने में बहुत सारा कठिनाई होगा। अब क्या करना है, क्या करना है भाई, पानी को बाहर निकालना। अब पानी को बाहर कैसे निकालना है, इंजेक्शन के माध्यम से, ध्यान से देखना। अब आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे, भाई इंजेक्शन कैसे फेफड़े में लगाएंगे, सिंपल सी बात है, रिब के जो बीच से क्या करते हैं, तुम्हारे पीछे से पेट पर हाथ रख करके रिब को फील करते हैं डॉक्टर, किससे, किसको फील करते हैं, रिब को, किसको फील करते हैं, रिब को फील करते हैं, रिब को यानी पसलियों को फील करते हैं, और पसलियों को फील करने के बाद ये देखो इंजेक्शन, पसली को फील करने के बाद तुमको हम सही सही इंजेक्शन दिखाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको चीजें क्या हो फील आए, आए ना, ताकि आपको चीजें फील आए, आपको हम सही सही इंजेक्शन दिखाते हैं। ये देखो एक इंजेक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको देखो, ये देखो ये इंजेक्शन क्या करते हैं, इस तरीके से रिब के बीचों बीच से क्या करते हैं, पसलियों के बीचों बीच से इंजेक्शन को लगा रहे होते हैं। अब क्या करते हैं, जब फेफड़े के अंदर पानी भर जाता है, पसलियों के बीचों बीच से इंजेक्शन एंटर करते हैं, समझ पा रहे हो, जिससे क्या करते हैं, बहुत सारा पानी जो भरा होता है उसको खींच करके इस तरीके से बाहर निकालते हैं, हाँ या ना। अब ऐसा सोच रहे हो चुन्नू सा इंजेक्शन, अरे भाई ये 5 ml का इंजेक्शन है, 5 ml पानी अगर निकालेंगे तो कितना बार सोचो उसको चुक चुक करके पानी निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होता, उसमें इंजेक्शन बड़ा इंजेक्शन होता है, समझ पा रहे हो, काफी ज्यादा ml का होता है, 1000 ml के आसपास का इंजेक्शन हो रहा होता है, 1000 ml का नॉर्मली कम आता है, 500 ml के आसपास का इंजेक्शन ले सकते हैं वहां पर आसानी से, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन में नीचे की तरफ कंटेनर लगा होता है, एक क्या लगा होता है यहाँ पर, एक ढक्कन टाइप लगा होता है, जैसे यहाँ पर इंजेक्शन को जैसे हमने लंग्स के अंदर घुसाया, घुसाने के बाद इस तरीके से पानी खींच करके निकाल लिया, हाँ है ना। अब यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, इसको खोल करके यहाँ पर कंटेनर लगा होता है इस तरीके से, समझ पा रहे हैं, उसके अंदर आसानी से पानी पूरा भर देते हैं। अब फिर से आसानी से आगे प्रेस करेंगे, फिर से खींच के निकालते रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि बार बार फेफड़े के अंदर चोकते हैं, फिर चोकेंगे फिर निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है, एक ही बार चोकेंगे तो एक ही बार निकालेंगे, निकालने के बाद फिर से पानी कंटेनर में ले लेंगे, यहाँ से ढक्कन लगा है, भर लेंगे, फिर से और खींचेंगे, फिर भर लेंगे, फिर और खींचेंगे, फिर भर लेंगे, फिर और खींचेंगे, फिर भर लेंगे। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, यह प्रक्रिया तब तक करेंगे कि जब तक फेफड़े में पानी ना खत्म हो जाए, जब तक फेफड़े में जो इन्फेक्शन का जो फ्लूड भरा है, समझ पा रहे हैं, जब फ्लूड पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो व्यक्ति जो होगा खुद ही कहेगा आई एम सो रिलैक्स फीलिंग। वह पेशेंट को भाई सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और उसको बहुत सुकून मिलेगा, समझ पा रहे हो, उसको बहुत सुकून मिलेगा। भाई कब सुकून मिलेगा, जब उसका पानी निकल जाएगा, सांस लेने में सोचो
उसको कितना मजा आएगा, वो सांस ले पाएगा अच्छे से। आई होप आप चीजों को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। हाँ या ना, आई होप आपको चीजें काफी डिटेल में काफी तह तक समझ में आई होंगी। इसके अलावा इस बीमारी में क्या क्या होता है, इस बीमारी में अधिकतर ये निमोनिया की बीमारी जो देखा जाता है कि प्रायः बच्चों में देखा जा सकता है, इसके अलावा वृद्धों में ज्यादातर, जो बुढ़ापे में अवस्था होती है वहां पर ज्यादातर देखा जाता है। सिंपल सी बात है, प्रायः कुल मिलाकर के जो कमजोर जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज्यादा देखा जा सकता है। इसके अलावा जो कुपोषण से शिकार रहते हैं उसमें, और जो धूम्रपान करते हैं, जो तंबाकू का सेवन करते हैं ना, उनमें भी ये बीमारी देखी जा सकती है। समझ पा रहे हो, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार होगा, उच्च ज्वर होगा, इसके अलावा वक्ष में पीड़ा होगी, सीने में दर्द होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, समझ पा रहे हो। उसके अलावा फेफड़े में आने, कुल मिलाकर पानी भर जाएगा, बहुत सारा दिक्कत परेशानी वाली बात हो सकती है भाई। पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, पानी को बाहर निकालो, उसके बाद एंटीबायोटिक देना पड़ता है, अटैक से एंटीबायोटिक दे देना। तुम डॉक्टर बनो तो फटाक से एंटीबायोटिक दे दोगे, कौन सा एंटीबायोटिक दोगे बताओ, कौन सा एंटीबायोटिक दोगे? या तो कहोगे भाई तुम पेनिसिलिन खा लो, क्या खा लो, पेनिसिलिन ले लो, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लो, पेनिसिलिन, या तो पेनिसिलिन दोगे, और या कौन सा दोगे, या तो पेनिसिलिन दोगे या कौन सी एंटीबायोटिक दोगे बताओ फटाक से, कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी, अरे भाई टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दे दोगे, टेट्रासाइक्लिन, या कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हो, या क्लोरोफेनिकॉल, हाँ है ना, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रापेनिसिलिन दे सकते हो, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो, क्लोरोफेनिकॉल नामक एंटीबायोटिक का, नामक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, हाँ है ना, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, समझ पा रहे हो, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये सभी क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक क्या है, मेडिसिन है, इनका जो प्रयोग किया जाता है किस बीमारी में, समझ पा रहे हो, उपचार के लिए किया जाता है, निमोनिया की बीमारी में ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए किया जा रहा होता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको एक एक चीजें काफी तह तक काफी डिटेल में समझ में आई होंगी, समझ पा रहे हो। ये जो टॉपिक हमने पूरा कवरअप किया, किसके बारे में कवर किया, यानी कि ऐसी बीमारियां थी जो वायु में उपस्थित जीवाणुओं से बीमारी उत्पन्न हो रही थी, समझ पा रहे हो, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग को हमने काफी तह तक काफी डिटेल में, आपके जितने भी सिलेबस में जितने बीमारियां थी हमने सबको समझा, हमने डिप्थीरिया को अच्छे से समझा, रोहिणी जिसको बोल रहे थे हमने, वोपिंग कप को समझा, समझ पेस्टुरेसिस जिसको बोल रहे थे, समझ पा रहे, हमने ये देखा डिप्थीरिया में जो डिप्थीरिया की बीमारी थी, समझ पा रहे हो, वो किसके कारण हुई, वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से हुई, वोपिंग कफ की बीमारी किसके कारण हुई, समझ पा रहे हो, भी बैक्टीरिया कारण हुई, हमने देखा कौन सा बैक्टीरिया था, मेनिनजाइटिस की बीमारी ये भी बैक्टीरिया की वजह से हुई, है ना, समझ पा रहे हो। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत खतरनाक बीमारी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बहुत सारा चीज हमने निमोनिया को भी काफी तह तक काफी डिटेल में समझ में आया होगा। आई होप आपको चीजें काफी डिटेल में समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लेक्चर यानी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले होंगे, वो हम पढ़ेंगे ऐसी जीवाणु जनित बीमारियां जो सॉयल में उपस्थित होती है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सॉयल में उपस्थित होते हैं, जो मिट्टी में उपस्थित होकर के मानव में बीमारी उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना, समझ पा रहे, सॉयल से संबंधित बीमारियों, जो सॉयल से संबंधित बैक्टीरिया होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप चीजें आपको मृदा भैया मृदा, आई होप डियर स्टूडेंट आपको चीजें काफी डिटेल में काफी तह तक समझ में आई होंगी। तब भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप प्लीज कमेंट करके डियर स्टूडेंट पूछ सकते हो, अगर आप नहीं कमेंट करेगा तो कौन करेगा, सोचो भाई, कुछ भाई हमारे डियर स्टूडेंट खास करके, समझ पा रहे हो, आपको पता है हमको क्यों भाई बोलते हैं, पहली बात समझ पा रहे हो आपको क्यों भाई बोलते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल के एकदम करीब हैं, एकदम आपका और हमारा बॉन्ड जो है एकदम, समझ पा रहे, दिलों का तार के जैसा बॉन्ड आपस में कनेक्टेड है आपस में, समझ पा रहे हो। तो भाई कुछ हमारे भाई जो कह रहे थे कि उनको जो है मतलब कि माइक लगाने से मतलब आवाज जो होता है फटाफटा आता है, तो जिसके कारण हमने काफी चीजें ट्राई की, बहुत सारा चीजें देखा, तो माइक ठीक से
समझ में आवाज वैसे ही आ रहा है तो हमको भी अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से इस लेक्चर को हमने जो रिकॉर्ड किया है बिना माइक से रिकॉर्ड किया। आई होप आपको क्वालिटी पता नहीं आपको मिल पा रहा है कि नहीं, लेकिन आप तब भी फीडबैक दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं वॉइस नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है भाई। आप आई होप आपको चीज़ें समझ में आता होगा, आपको पक्का कुछ ना कुछ लेक्चर से बेनिफिट होता होगा। आई हमको ऐसा लगता है, अगर नहीं होता है तब भी बताएंगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है उसको भी आप बताएंगे, क्या सुधार करना है, कैसा क्या करना है, कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया समझ, कोई सजेशन अगर आए तो वो भी बताइए भाई, आपसे हम बहुत सारा चीज़ सीखते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, सोचो भाई कौन बताएगा, समझ पा रहे हो। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आती है, काफ़ी बढ़िया लगता होगा। देन आज के लिए इतना करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देन समझ पा रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज माय डियर स्टूडेंट्स।